हाय, आई एम रंजना और मैं आज आप सबके सामने यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मैंने एक पोइम लिखी है। इम्पॉर्टेंट बात ये नहीं है कि मैंने पोइम लिखी है और आप मैंने ये नहीं चाहती कि आप मेरी पोइम को सुनो, पर मैं ये चाहती हूँ कि मैंने इस पोइम में जो मैसेज दिया है आप उस मैसेज को समझें। और मैंने बहुत बेसिक बात की है इस पोइम में, पर मुझे लगता है कि इस देश में रहने वाला और इस धरती इस देश को प्यार करने वाला और इस धरती को प्यार करना करने वाला हर इंसान जो है, मैंने उसकी भावनाओं को इस कविता में लिखा है और इसके लास्ट में मैंने एक ऐसा मैसेज दिया है जो कि मैं चाहती हूँ कि पूरा वर्ल्ड, ना कि सिर्फ इंडिया, पूरा वर्ल्ड उस मैसेज को अपनाए और उस पर अमल करे। तो मैं अपनी कविता को स्टार्ट करने जा रही हूँ। मैंने अपनी कविता का टाइटल दिया है नव भारत विश्व विजेता। इस कविता में बहुत सारी गलतियाँ हो सकती हैं क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल पोइट नहीं हूँ, पर सिर्फ अपने विचारों को बताने के लिए और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए मैंने ये मोड चुना है ताकि मैं ये बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकूं। और शायद यही एक ऐसा तरीका है जिससे मैं अपने मन की भावनाओं को प्रकट करती हूं। तो मैं आप सबके सामने कविता पढ़ने जा रही हूं। अब के जब बचकर हमको करोना से बाहर जाना है, अपने अंदर बसते भारत को इस विश्व को दिखलाना है। मुझे भारत को बेहतर नहीं करना, मुझे खुद भारत हो जाना है। हर नारी में सीता है नर नर में राम बसते हैं यहाँ। मुझे विश्व को बतलाना है, भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मण को हर भाई में जगाना है। मुझे भारत को बेहतर नहीं करना, मुझे खुद भारत हो जाना है। नज़र जाए जब तालाबों नदियों नहरों में उनमें पानी की स्वच्छ धारा हो, ऐसा लगे उन्हें ईश्वर ने अभी अभी धरती पर उतारा हो। हर घर में एक पेड़ हो जहाँ पिता ने डाला झूला हो, बच्चे झूले उस पर घर के, वहाँ चिड़िया ने भी बसेरा डाला हो। इन लाइंस में मैंने अपने बचपन को याद किया है जब मैं अपनी ननिहाल में जाया करती थी और मुझे याद है कि मेरे नाना जी ने एक पेड़ पर पींग डाली होती थी। पींग मीन्स स्विंग, झूला। और बस उस बचपन को थोड़ा सा मैंने इस कविता में, क्योंकि वो मेरे लिए एक आइडियल लाइफ थी, मैंने बहुत उस लाइफ को एंजॉय किया है और मैंने उस भाव को इन लाइनों में डाल दिया है। और लास्ट की लाइन में मैंने कहा है वहाँ चिड़िया ने भी बसेरा डाला हो, बच्चे झूले उस पर घर के, वहाँ चिड़िया ने भी बसेरा डाला हो। माई दिस आई मीन दैट आई वॉन्ट दैट ऑल ह्यूमन बींग्स नीड टू शो देयर कंसर्न, देयर लव एंड ऑफ कोर्स देयर रेस्पेक्ट टू वर्ड्स द अदर क्रिएचर्स ऑन दिस अर्थ। यस, द नेक्स्ट लाइन सर, अगली लाइन मैंने चीन को और अमेरिका के कुछ जो उन्होंने किया है उसको दिमाग में रखी हैं। जैसे कि हमने देखा था अभी कि अमेरिका में, जो कि एक वर्ल्ड पावर के रूप में जानी जाती है, तो वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला लिया था कि हम एक लॉकडाउन नहीं करेंगे क्योंकि उनकी इकॉनमी नीचे चले जाएगी और चीन की हरकतों को तो पूरी दुनिया जानती ही है। तो मैं समझती हूँ कि हमारा भारत और हम इंडियंस इन उन सब लोगों से बिल्कुल अलग हैं। हम अलग हैं या हमें अलग होके दिखाना है, हमें कुछ अलग करना है। हमें आर्थिक तरक्की करनी है, अमेरिका चीन को पीछे नहीं लाना। हम स्वस्थ, सशक्त और उदार हैं, हमें विश्व को दिखलाना है। भारत को विश्व को पीछे नहीं करना, बस खुद समृद्ध बनते जाना है। मुझे भारत को बेहतर नहीं करना, मुझे खुद भारत हो जाना है। फॉर मी एंड आई बिलीव फॉर ऑल माई इंडियंस, इंडिया इज़ नॉट जस्ट पीस ऑफ लैंड, इट इंडिया इज़ कंसिस्ट ऑफ द पीपल। 125 करोड़ लोग जो यहाँ पर रहते हैं उन लोगों से बनता है, देयर फीलिंग्स, देयर एथिक्स, देयर मोरालिटी एंड देयर बिहेवियर। एंड आई बिलीव दैट ईच एंड एवरी पर्सन हु लिव्स इन इंडिया, हु लव्स इंडिया, he loves world also, he loves all the people around the world and he carries the India inside her heart or his heart. बच्चे बड़े जब खाना खाएं, हमें उनको फिर से ये सिखलाना है, अन्न जीवन है, वरदान है, हमें उसे पूज कर खाना है। हमें भारत को बेहतर नहीं करना, हमें खुद भारत हो जाना है। योग और रामायण को अपने जीने का आधार बनाना है। ग्रंथों को रटना नहीं है हमें, उन्हें आचरण में लाना है। चाहते हो अगर भारत विश्व विजेता हो, हमें खुद विजयी होकर दिखाना है। हमें भारत को बेहतर नहीं करना, हमें खुद भारत हो जाना है।
हमें खुद भारत हो जाना है। योग और रामायण को अपने जीवन का आधार बनाने के लिए मैंने इसलिए कहा है क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि इवन कि वर्ल्ड, आजकल हर जगह ये दिखाया जाता है, पर मैंने कहीं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का की रिपोर्ट को पढ़ा था जहाँ पे ये पता चला था कि वर्ल्ड में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जहाँ पर लोग जो हैं वो स्ट्रेस और डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, और इस समय कोरोना वायरस के चलते तो मुझे लगता है ये चीज़ बहुत हावी हो गई है लोगों पर। और हमारी संस्कृति है योग मतलब मेडिटेशन, और ये करने से हम लोग स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि पूरा वर्ल्ड इसे अपनाए। और रामायण को इसलिए क्योंकि रामायण पढ़ने से या सुनने से हमारी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आती है। पशु पक्षियों को अपना बंधक नहीं, उन्हें अपना मित्र बनाना है। चिड़ियाघरों में उन्हें कैद नहीं करना, उन्हें वनों में छोड़ आना है। हमें भारत को बेहतर नहीं करना, हमें खुद भारत हो जाना है, हमें खुद भारत हो जाना है। वृद्ध आश्रमों से अपने माता पिता को वापस लाना है। वृद्ध आश्रमों से हमें अपने माता पिता को वापस लाना है। उन आश्रमों की जगह हमें ओल्ड एज रिक्रिएशनल सेंटर बनवाना है। ओल्ड एज रिक्रिएशनल सेंटर कंसेप्ट भी मैंने कहीं टीवी में सुना था, जिसमें जैसे हमारे यहाँ पे एक चलन है कि हमने वृद्ध आश्रम्स बनाए हुए हैं, मतलब कि ऐसी जगह जो जहाँ पर माता पिता को जो लोग घर से निकाल देते हैं वहाँ वो जाके रहते हैं। पर मुझे लगता है इसकी जगह इंडिया में ओल्ड एज रिक्रिएशनल सेंटर होने चाहिए। ओल्ड एज रिक्रिएशनल सेंटर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर बड़े बुज़ुर्ग जाते हैं, अपने नए दोस्त बनाते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, अपने विजडम से दूसरों को एनलाइटन करते हैं, एंड दे कैन डू ऑल काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ देयर टू कीप देमसेल्फ्स बिजी। और शाम को वो घर आ जाएं, जैसे हम अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं वो पूरा दिन बिजी रहते हैं, हम उन्हें और एंटरटेनिंग क्लासेस में भेजते हैं, और शाम को हम सब लोग घर में इकट्ठे बैठ के लंच करते हैं, डिनर करते हैं और इन्जॉय करते हैं। सेम वी ऑल कैन डू विद आवर पेरेंट्स। आई मीन जिन लोगों को तरक्की के लिए या अपने काम के लिए बाहर जाना पड़ता है और अपने पेरेंट्स को नहीं, वो उनके साथ टाइम व्यतीत कर सकते, ये उन लोगों के लिए है ओल्ड एज रिक्रिएशनल सेंटर। द लास्ट लाइन्स आर, अब के जब बचकर हमको कोरोना से बाहर जाना है। ये लाइन्स मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में लिखी हैं कि अब ऑब्वियसली इतने दिनों से लॉकडाउन चल रहा है और इंडिया की इकॉनमी बिल्कुल नीचे आ गई होगी, मैं उम्मीद करती हूँ ऐसा ही हो रहा है। आई एम नॉट अ इकॉनमिस्ट सो आई डोंट नो मच अबाउट इट, बट येस, अब के जब बचकर हमको कोरोना से बाहर जाना है। हमें डटकर मेहनत करनी है, हर इंसान को खुद में बेहतर हो जाना है। हमें भारत को बेहतर नहीं करना, हमें खुद भारत हो जाना है, हमें खुद भारत हो जाना है। अब मैं लास्ट की लाइंस पढ़ने जा रही हूँ, और इस लेसन में, इस लास्ट लाइंस में मैंने जो मैसेज दिया है, आई वॉन्ट ऑल द वर्ल्ड टू अडॉप्ट द कंसेप्ट दैट आई हैव गिवन इन दीज लास्ट लाइंस। तीन नए त्यौहारों को हमें विश्व पर्व मनाना है। ध्वनि दिवस, दीपक दिवस, पूरे विश्व को समझाना है। तीसरा, 2 दिन हर महीने हमें सेल्फ क्वारंटाइन हो जाना है। अगर भारत को विश्व विजेता बनाना है तो इस पैगाम को हमें पूरे विश्व में पहुंचाना है। अब सिर्फ भारत को नहीं पूरे विश्व को जग जाना है। हमें नया विश्व बनाना है, हमें नया विश्व बनाना है। लास्ट के पैराग्राफ को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी। और जैसा कि हमने, मैंने इसमें तीन त्यौहारों की बात की है। पहला है ध्वनि दिवस। ध्वनि दिवस इज़ द साउंड फेस्टिवल, जो मैंने कंसेप्चुलाइज़ किया है इसको, लेकिन मैंने इसको जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें कंसेप्ट दिया था, हमें कहा था कि डॉक्टर्स को, फ्रंटलाइन वॉरियर्स को ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए हमें क्लैप आर हैंड्स और वी हैव टू ब्लो द कॉन्च, लोगों ने जो भी किया था आप जानते हैं वो करना है। मुझे लगता है ये करके सिर्फ महीने के 3 दिन, मतलब 21 मार्च को आई थिंक ये इस चीज़ को हमने फॉलो किया था, तो मैं चाहती हूँ हर महीने पूरे वर्ल्ड के लोग इस चीज़ को फॉलो करें। और ये फॉलो करके अब हमें हर महीने इस चीज़ को फॉलो करके अपनी मदर नेचर को, अर्थ प्लानट को हमें ग्रेटिट्यूड शो करना है। इस सब चीज़ों से बहुत पॉजिटिविटी आती है, और इस सब चीज़ को हमने अनुभव किया था जब हमने 21 मार्च के दिन हमारे प्रधानमंत्री के कहने पर उस चीज़ को फॉलो किया था। और दूसरा, उन्होंने एक और चीज़ हमें बताई थी जिसमें हमने दीपक जलाए थे, तो मैं चाहती हूँ ये भी पूरे वर्ल्ड में मनाया जाना चाहिए। इस दिन भी वी कैन साइलेंटली सिट एट आवर प्लेस, इधर वी कैन, यू नो, हम एक वी कैन लिट अ लैम्प, हम एक लैम्प दिया जला सकते हैं अपने मन में, उस दिए को महसूस करके हम पूरे वर्ल्ड के लिए और इस प्लानट के लिए, अर्थ प्लानट के लिए हम पीस रेडिएशंस रेडिएट कर सकते हैं। और ऐसा हो सकता है बिकॉज कोरोना वायरस जो आया है अभी, इसने वेल दिस कोरोना वायरस इज़ वेल प्रूव्ड
अस कि द एंटायर वर्ल्ड इज़ कनेक्टेड, और अगर पूरा विश्व जुड़ा है ये कोरोना वायरस ने इस चीज़ को प्रूव किया है, तो मुझे लगता है हम पॉजिटिव रेडिएशन के साथ भी पूरे वर्ल्ड को जो यूनाइट कर सकते हैं, और मुझे लगता है इससे एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी हमारे प्लैनेट पे, और ये धरती जो है वो एक बहुत ही और ज़्यादा खूबसूरत जगह बन जाएगी रहने के लिए। तीसरा मैंने ये कहा था कि हर दिन हमें हर दो दिन हमें सेल्फ क्वारंटाइन हो जाना है, मतलब कि मैं ये समझती हूँ कि जैसे ये लॉकडाउन खुलेगा सब लाइफ जो है वो नॉर्मल तरीके से आ जाएगी और फिर से वही पॉल्यूशन वही सब कुछ, पर मैं चाहती हूँ कि उसके बाद भी जब लाइफ नॉर्मल हो जाए तो ना कि सिर्फ इंडिया में पूरे वर्ल्ड में लोग हर दो दिन के लिए अपने आप को लॉकडाउन कर लें, जैसा अभी हो रहा है, वर्चुअल क्लासेस हो रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, बस ऐसा ही कुछ हो और दो दिन के लिए इस अर्थ पे कोई पॉल्यूशन ना फैलाया जा सके, जिससे कि इस अर्थ को एक महीने में हर दो दिन अपने आप को रिजुविनेट करने का मौका मिले, अपने आप को और अपने आप को स्ट्रेस फ्री करने का मौका मिले। थैंक यू, दिस इज़ ऑल व्हाट आई वांट टू कन्वे इन दिस पॉइंट। मैंने इस पॉइंट को आज NH1 के ज़रिए इसलिए बोला है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये मेरा मैसेज जो है वो इस प्रधानमंत्री देखें और बाकी लोग भी देखें, और मैं चाहती हूँ ये मैसेज उन तक पहुँचे, और जब वो कोई पॉलिसीज़ अपनी नई बनाएं तो मेरे इस मैसेज को कहीं ना कहीं ज़रूर इम्प्लीमेंट करें जहाँ तक भी पॉसिबल हो सकता है। थैंक यू सो मच।